नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार आपका वेलकम करता हूं मनोज एकेडमी चैनल पर। गाइज, आप देख सकते हो आपके सामने जो वेबसाइट दिखाई दे रही है, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी तिरुचिरापल्ली की ऑफिशियल वेबसाइट है। और गाइज, इसके अंतर्गत है जो रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफ की पोस्ट है जो निकली हुई है, जिसका नोटिफिकेशन है जो 16 दिसंबर 2020 को है जो निकला है। आप देख सकते हो नेम ऑफ द पोस्ट, जूनियर असिस्टेंट एससी के अंदर जो टू पोस्ट है और एसटी के अंदर वन है और ओबीसी के अंदर फोर पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की वन है और अनरिजर्व कैटेगरी वालों की जो आठ पोस्ट है, टोटल इसके अंदर जो 16 पोस्ट है। उसके बाद में सीनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की गाइज आप देख सकते हो एससी के अंदर वन है, एसटी के कोई इसके अंदर पोस्ट नहीं है, ओबीसी की वन है, ईडब्ल्यूएस की भी कोई पोस्ट नहीं है और अनरिजर्व कैटेगरी की जो फाइव पोस्ट है, टोटल इसके अंदर जो सेवन पोस्ट है। पे ग्रेड की अगर हम बात करें तो गाइज आप देख सकते हो पे लेवल 3 पीवी फर्स्ट जीपी के अंदर 2000 है जो आपकी जो पे ग्रेड रहने वाली है जूनियर असिस्टेंट पद पर, और सीनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफ के अंदर जो पे लेवल 4 पीवी फर्स्ट जीपी 2400 है जो आपकी पे ग्रेड रहने वाली है। तो गाइज, इन सारी चीजों को हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं, तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप वीडियो के साथ शुरू से लेकर के लास्ट तक हमारे साथ में बने रहिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लाइक करें, अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ में शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप दर्शकों को मेरे से कनेक्ट। और गाइज, इसी प्रकार की जॉब डिटेल्स मैं अपने फेसबुक ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर भी डालता रहता हूँ, दोनों के लिंक्स मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, अगर वहां पर जाकर के आप जो हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। तो गाइज, आप देख सकते हो डेट ऑफ द एडवायरमेंट ये निकला हुआ है 16 दिसंबर 2020 को और ओपनिंग डेट फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन भरे जा रहे हैं 16 दिसंबर 2020 को। क्लोजिंग डेट की अगर हम बात करें फॉर्म की तो गाइज 18 जनवरी 2021 को है जो इसकी लास्ट डेट है। उससे पहले आपको अगर आप क्वालिफिकेशन रखते हैं और अगर इन पोस्टों पर इंटरेस्टेड है तो फॉर्म को टाइम से पहले भर लें, क्योंकि जैसे जैसे डेट लास्ट आएगी तो है जो साइट काफी है जो सर्वर लोड की वजह से नहीं चल पाती हैं और बहुत से विद्यार्थी जो वंचित रह जाते हैं। ये सारा पीडीएफ है, मैं इसका लिंक भी आपको है जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर जाकर के आप जो विजिट कर सकते हैं और संपूर्ण नोटिफिकेशन का विस्तार से अध्ययन करने के बाद में आपको जो फॉर्म को भरना है। तो ये क्वालिफिकेशन दे रखी है, आपको इसको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, एज लिमिट भी दे रखी है कौन कौन सी कैटेगरी वालों के लिए कितनी एज होनी चाहिए और कितनी छूट होनी चाहिए। देख सकते हो आप एससी एसटी के लिए 5 ईयर की छूट यहाँ पर दे रखी है, ओबीसी वालों के लिए 3 ईयर की छूट दे रखी है, पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 10 ईयर की छूट दे रखी है। तो इन सारी चीजों का विस्तार से अध्ययन देख लेना। फीस की अगर हम बात करें तो भाई फीस दे सकते हो आप जो अनरिजर्व कैटेगरी वालों और ईडब्ल्यूएस ओबीसी नॉन क्रिमिनल लेवल वालों के लिए गाइज 1000 यहाँ पर फीस रखी है और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वुमेन के लिए जो 500 ओनली फीस रखी है। कुछ यहाँ पर रूल्स दे रखे हैं, इनको आप एक बार जरूर रीडिंग कर लेना, उसके बाद में आपको फॉर्म को डालना है। और ये देख सकते हो वहाँ पर जो जैसे हम नीचे चलेंगे तो सिलेक्शन प्रोसेस के भी कुछ नियम दे रखे हैं, इन सारी चीजों को एक बार आप फॉर्म भरने से पहले देख लेना। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं ये सारी चीज देख रखी है। मैट्रिक 10th जो मार्कशीट है 10th ऑफ बर्थ के लिए, उसके बाद हायर सेकेंडरी क्लास है, अगर आपने यूजी पीजी डिग्री आईटीआई डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो भी है आप सारे सेक्शन डॉक्यूमेंट्स है जो आप लगा सकते हैं। उसके बाद में जो आपका ओबीसी या एससी एसटी के जो सर्टिफिकेट है कास्ट सर्टिफिकेट वो भी यहाँ पर दे रखा है। हाउ टू अप्लाई भी आप देख सकते हो किस प्रकार से आपको है जो ऑनलाइन फॉर्म भरना है और कब से भरे जा रहे हैं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये दे रखी है www.nit.edu। फॉर्म है जो 16 दिसंबर 2020 तक से आप जो फॉर्म को भर सकते हैं, मैं आपको इसको ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक दे दूंगा। उसके बाद में देख सकते हो ये डॉक्यूमेंट्स क्या क्या दे रखे हैं, SSCLC सर्टिफिकेट, HSC सर्टिफिकेट और ITI डिप्लोमा UG PG डिग्री ये सर्टिफिकेट दे सकते हो आप जो, ये अगर आपके पास में कोई स्केल है तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके बाद में हर पोस्ट की डिटेल्स वाई यहाँ पर जानकारी दे रखी है, जैसे देख सकते हो आप रिक्वायरमेंट रूल्स है जो पोस्ट जूनियर असिस्टेंट की। उसके बाद में ग्रुप सी के अंदर एक पोस्ट आती है और मैंने आपको बताई पे स्केल आप देख सकते हो जो 5200 से लेकर 20200 आपकी है जो ग्रेड पे, तो 2000
रहने वाली है। उसके बाद में एज भी देख सकते हो वहाँ पे, जो 27 ईयर तक के है जो स्टूडेंट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कुछ नियम है जो उसके आधार पर छूट दे रखी हो आप इसके अंदर देख लेना। एजुकेशन देख सकते हो आप क्या, सीनियर सेकंड 10+2 और आपके पास में जो कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए 35 WPA एंड आपकी जो स्पीड है कंप्यूटर की वर्ड की टाइपिंग की वो आपके पास में होनी चाहिए। बाकी इस स्टेनोग्राफर के अंदर आपके पास डिप्लोमा स्किल है तो जरूर इसके अंदर आप जो फॉर्म को डालें। बाकी ये कुछ नियम्स हैं, इनको एक बार देख लेना। और नेक्स्ट पोस्ट आप देख सकते हो जो ये सीनियर असिस्टेंट की भी देख सकते हो आप, जो ये सारी क्वालिफिकेशन एज और सब कुछ दे रखा है यहाँ पर, इसको एक बार पढ़ करके उसके बाद में आपको फॉर्म को डालना है। तो इस प्रकार से गाइज ये नोटिफिकेशन निकला हुआ है, आप इस नोटिफिकेशन को विस्तार से अध्ययन करने के बाद भी फॉर्म को डालें। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको लेके चलता हूं। तो गाइज ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हो जैसे ही आप इस पर ओपन करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेयर दिखाई देगा और जैसे आप नीचे की तरफ जाओगे तो नोट्स डाउनलोड। तो गाइज आप देख सकते हो एडवायरमेंट फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ नॉन टेक्निकल पोस्ट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने गाइज ऐसा इंटरफेयर ओपन होगा। तो जैसे ही इंटरफेयर ओपन होगा तो गाइज आप देख सकते हो आपको ऊपर ही ऊपर ये पोस्ट दे रखी है जूनियर असिस्टेंट सीनियर असिस्टेंट एंड स्टेनोग्राफर। यहाँ पर आपको एज एडवायरमेंट नंबर पर आपको यहाँ पर फर्स्ट बार क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ तो आपके सामने ऐसे PDF ओपन हो जाएगी 15 पेज की, इसको पढ़ने के बाद में आपको एज फॉर्म को डालना है। तो गाइज फिर मिलता हूँ किसी लेटेस्ट भर्ती के साथ में, जब तक के लिए नमस्कार।